नमस्कार, विद्रोही समाचार में आपका स्वागत है। सेना पर आरोपों से व्यथित पर्रिकर ने लिखा ममता को खत। पश्चिम बंगाल के टोल नाकों पर सेना की हालिया कार्रवाई के लिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सेना पर लगाए गए आरोपों पर गहरा दुख जाहिर करते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने उन्हें पत्र लिखकर कहा है कि ये आरोप सैन्य बलों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। पर्रिकर ने इस पत्र में कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि राजनीतिक दलों और नेताओं को भले ही एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाने की छूट हो सकती है, लेकिन सैन्य बलों का संदर्भ देते हुए बेहद सावधान रहना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन का अनुभव रखने वाले आपके जैसे कद के व्यक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। केंद्र के नोटबंदी के कदम का विरोध करने वाली ममता ने केंद्र पर आरोप लगाया था कि मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर 24 परगना, बर्धमान, हावड़ा और हुगली आदि जिलों में सेना को राज्य सरकार को सूचित किए बगैर तैनात किया गया। उन्होंने इसे अभूतपूर्व और बेहद गंभीर मामला बताया था। ममता ने इसे आपातकाल से भी गंभीर स्थिति करार दिया था। उन्होंने पूछा था कि क्या सैन्य तख्ता पलट है। इस बात को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने संसद में भी काफी हंगामा मचाया था। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। अनुचित आचरण के लिए आप सांसद भगवंत मान शीतकाल सत्र के लिए लोकसभा से निलंबित। आरबीआई ने कहा नोटबंदी के बाद बैंकों ने 4,27,684 करोड़ रुपए जारी किए। अस्थाना को अंतरिम निदेशक नियुक्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सीबीआई से जवाब मांगा। पंजाब में फाजिलका फिरोजपुर मार्ग पर गहरी धुंध के कारण वाहन भिड़े, 14 लोगों की मौत, 1 घायल। लालू यादव ने कहा नरेंद्र मोदी को भारत की नहीं बल्कि इंडिया की चिंता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।